हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसल्स को टाइट करने के लिए और अपनी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज इन बेड। आपको बेड से ही अपनी एक्सरसाइज ये कम्प्लीट कर सकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज है, नो जम्पिंग है, ऑनलीस्ट आप अपने बेड से अपने मैट लगा के अपने घर पर आराम से वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी मसल्स को टाइट कर सकते हैं। अपने जो फैट्स वगैरह हैं उनको भी कम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी स्लीपिंग क्वालिटी को भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे टाइम तक कर सकते हैं। आप अपने जो हेल्थ में उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जरा मैं बहुत ही बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज आपके साथ साथ शेयर किया है। मुझे थोड़ा सा जुकाम एंड फीवर है, तो आप वॉइस को एडजस्ट कर लीजिएगा, इतनी क्लियर नहीं आएगी, बट मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी कि मैंने इस वीडियो में कैसी कैसी न्यू एक्सरसाइज आपको शेयर की है, जो आप किसी भी एज ग्रुप के हों आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हों, बहुत ज़्यादा ओल्ड हों, बहुत ज़्यादा आप किसी तरह का कोई पेन होता हो आपकी बॉडी में, आपको प्रॉब्लम होती हो ना, आप उठ के जैसे आप बाहर जाके एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, आप घर में ही आराम से अपने घर पे ही रह के आराम से एक्सरसाइज को कर सकते हैं एंड आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो मैंने जितनी भी एक्सरसाइज शेयर की है सारी आप अपने बेड पे ही कर सकते हैं, आराम से लेटे लेटे कर सकते हैं, या आप अपने घर में ही मैट लगा के भी कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है ये आपके जो मसल्स होती हैं, जैसे आपके मसल्स बहुत ज़्यादा लूज हो गए हैं, आपके जो हाथों की मसल्स होती हैं, जैसे पेट की मसल्स होती है, आपके थाई की मसल्स होती हैं, इस पर सारी चीज़ें, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ थोड़ा हमारा हैवी होता है बॉडी, वहाँ पे हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, हमारा वेट गेन हो जाता है। तो उसको टाइट करने के लिए, अपना वेट को कम करने के लिए एंड अपनी बॉडी को एकदम फिट रखने के लिए आप बहुत ही आराम से रेगुलर बेसिस पे 30 या 60 डेज इस तक कंटिन्यू करेंगे, तो आपको देखेंगे आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो आपका जो बॉडी है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो आप एक एक एक्सरसाइज को देख के अच्छे से अच्छे जितना भी हो सके फॉलो करिएगा। जो भी आपको हार्ड लगे थोड़ा सा आप स्लो रखिएगा, बहुत ही आराम आराम से करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सरसाइज थोड़ी सी एडवांस पे हैं और कुछ हैं बेसिक हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे नॉर्मल हाइपर नहीं होना है अपनी बॉडी को लेकर, कि नहीं मेरा बहुत ज़्यादा पेट गेन हो गया है, तो इस चीज़ को लेकर हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको आराम से अपने घर पे बैठ के धीरे धीरे एक्सरसाइज को शुरू करना है, बस कंटिन्यूसली करना है आपको एक्सरसाइज। जितना हो सके जितना आप अपने एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी रखेंगे उतनी जल्दी ही आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही स्लिम होगी। इसके साथ ही साथ आप अपने डाइट पे भी अच्छा काम कर सकते हैं। आप डाइट अच्छी प्रोटीन और अच्छे एनर्जी वाली डाइट करें और आप ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ करें बहुत ज़्यादा, जितना भी हो सके ऑयल वगैरह कम खाएं, जंक फूड्स कम लें और अपने जो बाहर के फूड्स वगैरह हैं उनको कम कंज्यूम करें, अपने पैकेट्स के फूड को कम कर दें एंड साथ ही साथ आप जितना भी हो सके प्रोटीन और आपको जितनी भी चीज़ों में हरी सब्जियों में विटामिन्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनको कंज्यूम करने की कोशिश करें, और वो भी नेचर के द्वारा, ना कि पैकेजिंग के द्वारा। तो केमिकल वाले खाने या पैकेजिंग वाले खाने आप बंद कर दें, तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी बहुत ही स्लिम और हेल्दी रहेगी और हमेशा रहेगी। बस थोड़ा सा अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है और जितना भी हो सके अपनी बॉडी पे काम करना है, तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए बनी रहेगी। बट आप एक दिन एक्सरसाइज करके उतना ही जंक फूड खा लेंगे या आप अनहेल्दी खाना फूड्स कंज्यूम कर लेंगे, तब भी आपकी बॉडी नहीं ठीक होने वाली है। तो आपको अपने एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने बॉडी के जो और सारी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छे से शुद्ध भोजन अपने कंज्यूम करें, ना कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या पैकेजिंग पे जाएं। और अब भोजन को अब चुप करें तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टाइम लेके, बहुत आराम से करें, जितना हो सके धीरे धीरे खाएं अपने भोजन को, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भोजन को ना खाएं।
आराम से भोजन खाएंगे तो आप देखेंगे आपका भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आपकी जो भी जैसे प्रॉब्लम होती है, अगर आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, खाने के बाद आपके पेट में मरोड़े आ जाते हैं या आपका पेट भरा भरा रखता है, तो आप बहुत ही आराम से फूड को खाएं, बहुत ही धीरे धीरे टाइम लेके खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और उसके बाद आप पानी जो है अपने जिस अकॉर्डिंग हो सके, जैसे अगर आप खाने से पहले भी 40 मिनट या के पहले आप पानी पी लें तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद आप 40 मिनट या 1 घंटे बाद ही पानी पिएं तो तब भी बेटर है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट मतलब ड्राई फूड ले रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट में होता है कि आप बहुत ज़्यादा सूखा भोजन खा रहे हैं, तो उसके बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता बट हाँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आप छोटा से ग्लास में पानी रखें बस, अगर बहुत ज़्यादा सूखा भोजन आप ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी लें, बट अगर आप लिक्विड भोजन ले रहे हैं तो आपको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, पहले पानी पी लें या उस टाइम अनुसार बाद में ही पानी पिएं। और इसके साथ ही साथ आप अपने भोजन को बहुत ही अच्छे से चबा के खाएं, निगले नहीं डायरेक्ट डाल के भोजन, धीरे धीरे जब आप भोजन को करते हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, आपका भोजन आराम से पच जाता है, आराम से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके फैट्स भी नहीं होते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है या आपके बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सब से भी बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलता है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है और आपके हेयर भी बहुत अच्छे रहते हैं, आइज़ की जो आपकी विजिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी हो रहती है। तो आप अपने एक्सरसाइज को तो टाइम देते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने जब अपने फूड पे भी उतना ही काम करना है जितना हमें एक्सरसाइज पे करना है, या कि अगर आप एक्सरसाइज थोड़ा आधा घंटे ही कर रहे हैं बट आप अपने फूड पे आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप तीनों टाइम का फूड टाइम टू टाइम खा रहे हैं और उसके बाद आप अपने फूड को बहुत ही अच्छे प्रोसेस में खा रहे हैं, जी बहुत अच्छी क्वालिटी में खा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो हेल्थ है बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक तरह का होता है ना जैसे स्मूथनेस होती है, बहुत आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है धीरे धीरे। बाकी इन्वायरमेंट वगैरह से जो हमें फ़र्क पड़ता है वो तो अलग की बात होती है, बट हम अपनी तरफ से जितना हो सके हम अपनी बॉडी की केयर करेंगे तो उतनी ही हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, उसकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हेयर अच्छे रहेंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, एंड साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा और जितना भी हो सके शेयर करिएगा। मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी रेगुलर बेसिस पे अब वीडियो अपलोड करूँगी। इस टाइम में थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था, मैं ऐसे कुछ काम में रहती थी तो नहीं अपलोड कर पाती थी, बट हम मैं कोशिश करूँगी मैं आपके साथ, तो मैं जिस तरह की वीडियो भी डालती हूँ रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो दूँ और आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल पे बहुत सपोर्ट करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और बहुत सारा प्यार देते रहें, जिससे मैं आपके साथ अपनी जो भी मुझे आता है, जो भी मैं आपको दे सकती हूँ, सिखा सकती हूँ आपके लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उतना मैं सिखाने की कोशिश करूँगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और एक्सरसाइज को करते रहिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपने आप अपना अच्छे से पूरे से टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करिएगा, फूड लीजिएगा, धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, प्रॉब्लम जो भी पेन होता है जो भी प्रॉब्लम होती है सब कम हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।